नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। इटावा में मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले दो टावर कर्मियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरलई थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान और उप निरीक्षक सनत कुमार और थाना प्रभारी ने चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार 15 बैटरी कटर, अवैध असला और चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टाटा नेक्सन कार बरामद की गई है। टावर में काम करने वालों ने बरलई के गोपालपुर गांव में लगे मोबाइल टावर से 28 बैटरी चुराकर टावर टेक्नीशियन पर लगा दिया। चोरी का आरोप एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि बैटरी चोर टावर कर्मियों ने 13 बैटरियों को काट कर बेच दिया और 15 बैटरी बरामद की गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर की टीम, जो कि थाना बल्लई के इंस्पेक्टर साहब और उनकी जो टीम है, उनके द्वारा दिनांक 7/8 अगस्त की रात में थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एयरटेल का इंडस टावर था, उस टावर से 25 बैटरियां जो है चोरी हो गई थी। उस बैटरी के मतलब चोरी होने के बाद वादी के द्वारा जो एफआईआर दी गई थी, उसके आधार पर 380 आईपीसी का अभियोग जो पंजीकृत किया गया था, आज उक्त अभियोग का अनावरण हुआ है और इस घटना में संलिप्त दो अभियुक्त अमित कुमार और श्यामवीर राजपूत, इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से जो है इस घटना में जो बैटरी चोरी हुई थी 28, उसमें से कुल जो है 15 बैटरी, एक ग्राइंडर जो कि मार्बल कटर है, एक अवैध चाकू, एक तमंचा, दो कारतूस और एक नेक्सॉन कार इनसे बरामद हुई थी। और अभियुक्तों से जब पूछताछ किया गया था तो उनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों जो कर्मचारी हैं वो उसी टावर पर वहाँ पर जो है कार्यरत हैं, उन्होंने बैटरियों को अपने ग्राइंडर से काटकर अपने निक्सॉन गाड़ी में ले जाकर रखे हुए थे। आज उनकी अरेस्टिंग हुई है और इस घटना का जो है सफल अनावरण हुआ है।